9 और मैं हूं आपके साथ विजयालक्ष्मी। बिहार विधानसभा के आम चुनाव को लेकर मतदाता मास्क लगाकर बूथों पर मतदान करने जाएंगे। मतदान के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव तैयारियों में जुटे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के माध्यम से इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा कोरोना संकट के बीच चुनाव कराने को लेकर सभी प्रकार की सावधानियों को लेकर तैयारी की जा रही है। आयोग द्वारा बिहार के चुनाव को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया जा रहा है। बताया गया कि इस बार जो बूथ बनाए जाएंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य शर्त पर होगी। निर्वाचन विभाग के सूत्रों के अनुसार कोरोना संकट को देखते हुए राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर तैनात मतदान कर्मियों को थर्मल स्कैनर की सुविधा दी जाती है। इससे मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले मतदाताओं के शारीरिक तापमान की स्कैनिंग की जाएगी। इससे कोरोना के संदिग्ध मरीजों की पहचान होगी। सूत्रों की माने तो मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए टूथपिक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या जिन इलाकों में होगी वहां मतदान कर्मियों को मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए पीपीई किट भी दी जाएगी ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। साथ ही आयोग के स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के चुनाव एजेंट के लिए भी पीपीई किट पहनने को अनिवार्य किए जाने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना संकट को लेकर ही राज्य में 34,000 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में पहले से मौजूद 72,723 मतदान केंद्रों के अतिरिक्त ये सहायक मतदान राज्य में बनाए गए हैं ताकि प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,000 मतदाताओं द्वारा मतदान को सुनिश्चित किया जा सके। सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना महामारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। मतदाताओं के बीच आवश्यक 2 गज की दूरी का पालन भी कराया जाएगा ताकि मतदान के दौरान अनावश्यक भीड़ नहीं हो और चुनाव को लेकर निर्धारित समय में सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर प्रदान किया जा सके। आयोग द्वारा कोरोना संक्रमितों को बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान का अवसर दिया जाएगा। साथ ही 80 साल से अधिक उम्र के सभी मतदाताओं को बैलेट पेपर से मतदान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के माध्यम से सभी जिलों में तैयारी शुरू कर दी है।